पूरे 55,000 रुपये का लोन मुझे यहाँ पे ऑफर किया गया है। बस यहाँ पे मुझे टेन्यूर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे हेलो क्लिक दोस्तों, कर आप देना सभी है। लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप लोग किस ढंग से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख ही लिया कि मुझे यहाँ पे इंस्टेंट ये कैश मिल रहा है, बस एक क्लिक करने के बाद यह मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। तो आज मैं इसी विषय पे आपको बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, किस ढंग से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अभी मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चलता हूँ, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को बताऊंगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है सिंपल सा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड लोन। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा नंबर स्टेप पे आपको आ जाना है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे आने के बाद तीन स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं मैन्युअली अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का, उसका आपको लास्ट डिजिट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड है, मनी बैक प्लस कार्ड। तो मैं यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों पे टिक कर देना है। तो ये भी कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको टिक करना पड़ेगा। तो दोनों यहाँ पे टिक होने के बाद आपको यहाँ पे आगे क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो आपको OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा। OTP से वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे लोन का डिटेल्स शो होगा। अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे पूरे 55,000 रुपये का लोन मुझे यहाँ पे ऑफर किया गया है। बस यहाँ पे मुझे टेन्यूर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, आपका पैसा बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोग को इसी विषय पे बताऊंगा कितना चार्ज लगता है, क्या कुछ लगता है, सब कुछ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये मेरा कार्ड है HDFC बैंक का, आप देख सकते हैं मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। और मैं यहाँ पे 55,000 रुपये का लोन के लिए एलिजिबल हूँ। और सबसे बड़ा बात इस लोन के लिए बताना चाहूँगा कि अगर ये लोन मैं लेता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉक नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जंबो लोन है। यहाँ पे अगर आपको इंस्टा लोन मिला होगा तो उस पर आपका कार्ड का लिमिट आपका लॉक हो जाता है। तो ये जॉम्बो लोन का अगर आपको ऑफर मिलता है तो आपका लिमिट आपका पूरी तरह से सेफ रहता है। आप लोग उस लिमिट को शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और ये लोन के लिए अलग से एक अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। तो सिंपली गाइज, अभी मैं आप लोग को यहाँ पे 30,000 रुपये से लेके 55,000 के बीच कोई सा भी आप अमाउंट ले सकते हैं लोन के रूप में। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 साल के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है, पूरे 12 महीने के लिए। तो देख सकते हैं 5,147 रुपये का EMI यहाँ पे कन्वर्ट होगा और 999 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी लगता है। और यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं, पर एनम की बात करें तो 21.96 पर एनम लगेगा। उसके बाद सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ चार्ज लगता है, सब कुछ आपके सामने में स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो भी चार्ज होता है वो आपको यहाँ पे, कोई हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप स्क्रीन पे सारा कुछ आपके सामने में होगा। और जो आपका HDFC बैंक का यहाँ पे अकाउंट होगा, उस अकाउंट में आपका पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑटो फिल ऑप्शन है और मैं यहाँ पे कोई बदलाव नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे बैंक अकाउंट में पैसा मुझे HDFC बैंक के में ही मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको वहाँ पे हो सकता है कि आपको अपना बैंक अकाउंट टाइप करने का ऑप्शन मिले। उसके बाद गाइस, सारा कुछ यहाँ पे करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है, आपका लोन यहाँ पे सैंक्शन हो जाता है। आपको यहाँ पे विद इन आपको 2 से 3 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके मतलब HDFC बैंक के मतलब अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे 60 महीने का लोन मिलेगा आपको और पूरे 55,000 रुपये का, मिनिमम 30,000 रुपये का मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं ये हर किसी को अभी मिल रहा है। अगर आपके पास भी HDFC बैंक का कार्ड है तो आप लोग बेझिझक ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप लोगों को 100% लोन मिलेगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो आपका जॉम्बो लोन है या फिर इंस्टा लोन है। अगर जॉम्बो लोन होगा तो आपको लिमिट पे कोई ब्रेक नहीं होगा, यानी कि जो आपका लिमिट है 40,000 50,000, वो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट मौजूद रहेगा, ये अलग से आपका ये लोन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका इंस्टा लोन होगा तो उस पर आपका लिमिट पे ही आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आज इस एपिसोड में बस आप लोगों को यही समझाना चाहता था कितना चार्ज लगता है, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, सब कुछ आपको मैंने बताया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए, कोई सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।